नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार रंका से प्रमोद कुमारी यादव की रिपोर्ट। चीनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चीनिया में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस के तहत 9 जुलाई को 18 गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच एंटीनेटल चेकअप किया गया। जांच कर रहे चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि प्रसव पूर्व जांच का संबंध गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य की जानकारी और नियमित चिकित्सा जांच से होता है, जिससे कि प्रसव सुरक्षित हो सके। मातृत्व अस्वस्थता और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना इस अभियान का उद्देश्य है। गंभीर खतरों वाली गर्भावस्था और उच्च प्रसव वेदना की छानबीन के लिए प्रसव पूर्व जांच ANC आवश्यक है। सामान्य तौर पर गर्भवती महिलाओं को वजन, ऊंचाई, रक्तचाप, एनीमिया, श्वास संबंधी सामान्य सूजन, उदरीय परीक्षा आदि जांच की जाती है। इसके अलावा मूत्र एवं रक्त जांच से कुछ खास बीमारियों का पता किया जाता है। साथ ही पेट में पल रहे भ्रूण के बारे में जानने के लिए भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। आयरन की गोली और टेटनस की सुई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन की होती है। इस दौरान महिला की खुराक इस प्रकार होनी चाहिए जिससे बढ़ रहे भ्रूण, मां के स्वास्थ्य के रखरखाव, प्रसव के दौरान आवश्यक शारीरिक स्वास्थ्य और सफल स्तनपान कराने की क्रिया के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एवं विटामिन युक्त भोजन लेने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान संभोग से तब बचकर रहना चाहिए जब गर्भपात होने का खतरा हो, यानी पहले लगातार गर्भपात हो चुके हों या समय से पूर्व प्रसव होने की संभावना, अर्थात पहले समय से पूर्व प्रसव हो चुके हों। डॉक्टर कुलदेव चौधरी, रानी कुमारी, सरस्वती देवी, आरती देवी, माया देवी, रेशमा खातून, राजपति देवी सहित कुल 18 गर्भवती महिलाओं को जांच कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। मौके पर फार्मासिस्ट वेंकटेश नारायण, ANM सुमन खेस, MPW लता मोहम्मद सहित कई मेडिकल कर्मी भी मौजूद थे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिनिया में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस के तहत गर्भवती महिलाओं को जांच किया गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की एक योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस के तहत प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को जांच किया जाता है। इसमें खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है और जो पेट में भ्रूण पल रहा होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस अभियान का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने का उद्देश्य है। अक्सर खून की कमी से या उच्च रक्तचाप के कारण कई महिलाओं को जान के खतरे हो जाता है, तो इस स्थिति में अगर प्रसव पूर्व जांच हो तो सुरक्षित प्रसव होने का कराने का हम लोग का जो टारगेट है वो हो पाता है। मैं डॉक्टर कुलदेव चौधरी, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा रंग। धन्यवाद।